नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में व्याकरण के टॉपिक के बारे में आज सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय की परिभाषा और अव्यय के भेद के बारे में आज हम देखेंगे। तो अव्यय, अव्यय यानी क्या? तो यहाँ उसकी परिभाषा दी गई है। अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, कौन सी बात है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है, वह जो का त्यों ही रहता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। फिर से देखेंगे परिभाषा में, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो पाता, उससे हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, देखिए राम कल पढ़ेगा। उस उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा राम, राम क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा यानी शब्द। तो यहाँ राम संज्ञा है, कल क्या है, वह अव्यय है, कल है वह अव्यय है और राम कल पढ़ेगा। दूसरी बात में हम देखेंगे सीता, सीता वह नाम है, सीता कल पढ़ेगी। यहाँ देखिए कल और यहाँ भी सीता कल पढ़ेगी, उसमें भी जो अव्यय है उसके बारे में जांच कर देंगे। कल है, यहाँ भी कल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सीता कल पढ़ेगी, यहाँ पढ़ेगी आता है, यहाँ पढ़ेगा आता है। तीसरे वाक्य में देखेंगे मित्रों, लड़के कल पढ़ेंगे, उसमें भी देखना यहाँ लड़के के बारे में बात की गई है, उसमें परिवर्तन हुआ है और यहाँ कल है, वही स्थान जो का जो है, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे, यहाँ परिवर्तन हुआ है, सिर्फ कल है वही जो का जो है, इससे हम क्या कहते हैं, अव्यय। वे यहाँ वे है वह सर्वनाम है, नाम के बदले दिए गए शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ वे शब्द है वह सर्वनाम है, वे कल को देंगे, यहाँ भी कल है जो का क्यों है। तो देखिए उसके बारे में कि अव्यय, अव्यय को जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो पाता उसे हम अव्यय कहते हैं। यहाँ आपने देखा कि जो का क्यों ही है, तो हम उसके भेद के बारे में देखेंगे। अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के कुल चार भेद हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादिभूत अव्यय। तो आज हम देखेंगे अव्यय के भेद के बारे में। हम पहले क्रम को लेंगे कि नंबर एक क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो क्रिया विशेषण की हम पहले परिभाषा देखेंगे, परिभाषा यानी व्याख्या। क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष, विशेष यानी बहुत सारी जानकारी देता है, जानकारी देता है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यहाँ देखेंगे नंबर एक, क्रिया कब हुई मानो के समय का उल्लेख किया गया है। दूसरा नंबर, क्रिया कहाँ हुई, कहाँ यानी स्थान। नंबर तीन, क्रिया कैसे हुई, वह क्या है, रीति। नंबर चार, क्रिया कितनी हुई, परिणाम माप दो। तो यहाँ जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है क्रिया कब हुई, कब यानी समय, तो उसका यहाँ एक उदाहरण दिया है कि महेश कॉल जाएगा, महेश कॉल जाएगा, कॉल कॉल क्या है, वो समय बताता है। दूसरा, माँ आज अस्पताल जाएगी, माँ आज, आज क्या है, वो स्थान बताया, अस्पताल, आज कहाँ जाने वाली है माँ, अस्पताल। तो यहाँ स्थान का उल्लेख किया गया है,
क्रिया विशेषण के उपभेद है, समय, स्थान, रीति और परिणाम, ये चार है, वह क्या है? उपभेद। तो हम देखेंगे अव्यय का दूसरा प्रकार, नंबर दो, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, यानी यहाँ वाक्य लिया गया है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ जोड़ने की क्रिया करता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। एक शब्द हो चाहे या वाक्य हो, उसको जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम देखेंगे फिर से। जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे शब्द का उपयोग समुच्चय बोधक अव्यय में होता है। तो इस तरह इसमें लिखा गया है, किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, अथवा, और, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रकार में? तो समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार में। किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, अथवा और कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो हम देखेंगे, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, राजन ने बहुत मेहनत की। राजन ने बहुत मेहनत की, ये क्या है? एक वाक्य, ये है एक वाक्य है, राजन ने बहुत मेहनत की। दूसरा वाक्य है, सफल नहीं हुआ। उस दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है परंतु शब्द है। परंतु ये वह क्या है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो हम इसे उस वाक्य को, दोनों वाक्यों को मिलाकर हम देखते हैं, राजन ने बहुत मेहनत की परंतु वह सफल नहीं हुआ। इस तरह का यह वाक्य बना। नंबर दो, वह उठा। वह क्या है? सर्वनाम। उठा ये संज्ञा है, शब्द है। और घर चला गया, अरे चला गया वह भी शब्द है। तो यहाँ और शब्द का उल्लेख हुआ है, तो वह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो वह उठा और घर चला गया, दोनों का मिलन करके उसे हम बनाए समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर तीन, यानी तीसरा, मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी। यह एक वाक्य है, मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी। और दूसरा वाक्य है, दुकानदार के पास छूटे नहीं थे। वह दूसरा वाक्य है। तो हम देखेंगे मित्रों, क्योंकि शब्द लगाया गया है। कौन सा शब्द है? क्योंकि। क्योंकि शब्द है या क्या है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो हम देखेंगे तीसरा वाक्य फिर से, मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी क्योंकि दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे। इस तरह का वाक्य बना। हम आगे देखेंगे उस तीसरा प्रकार, संबल बोधक अव्यय, यानी अव्यय के तीसरे प्रकार का नाम है संबल बोधक अव्यय। संबल बोधक अव्यय यानी क्या? तो हम देखेंगे मित्रों उसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक शब्द है। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है नाम के बदले उपयोग किया जाने वाला शब्द, यानी राम है तो राम गया, वे गया, राम के बदले वे शब्द का उपयोग किया उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह जो शब्द संज्ञा या
डाकघर है, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ मेरे घर के पास पास किस डाकघर है, तो यहाँ कौन के पास शब्द है वह संबंध बोधक अव्यय है। नंबर तीन, गरीबों के लिए हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। यहाँ दया की भावना बताई गई है, गरीबों के लिए और दया भाव दोनों के पर बीच में संबंध है, इसीलिए यह लेकिन वह क्या है संबंध बोधक अव्यय है। तो इस तरह तीन उदाहरण दिए गए हैं संबंध बोधक अव्यय के। तो हम देखेंगे अव्यय का चौथा प्रकार, तो उसके बारे में, तो उसका नाम है विस्मयादी बोधक अव्यय। विस्मयादी बोधक अव्यय यानी क्या, हम देखेंगे उसकी परिभाषा। तो उसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिन अव्ययों का संबंध, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं, किसी पद से नहीं होता, परंतु जो अव्यय केवल वक्ता, वक्ता यानी जे बोले छे, ने आपणे वक्ता कहीए ने, श्रोता एटले सांभळवा, तो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार यानी घृणा आदि शब्दों का भाव सूचित करते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो हम देखेंगे मित्रों उदाहरण नंबर एक, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो यहाँ वाह शब्द है वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। नंबर दूसरा, हाय बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, उसमें भी हाय शब्द है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। और नंबर तीन, छी कितनी गंदगी है, वह भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस तरह हमें आज अव्यय के बारे में जानकारी दी। अव्यय के कितने प्रकार थे, उसकी परिभाषा, अव्यय के कुल चार प्रकार थे। नंबर एक समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, और समुच्चय संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, और आगे हम देख चुके क्रिया विशेषण अव्यय। कुल चार अव्यय के बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त की। तो मित्रों बधाई, जे जे भी अव्यय ना प्रकारो लखाए छे एना विषे तमारे व्याकरण नी नोटबुक नी अंदर बधाई स्टॉप करी वीडियो ने, અને તમામ માહિતી બધી એમ કે તમારી નોટબુક નીચે હિન્દી ની વ્યાકરણ ની નોટબુક બનાવી છે ધોરણ 8 વાળાએ, એમાં લખવાનું છે।